विदेशों में पढ़ाई करने का सपना हर छात्र का होता है। हर साल देश से हजारों छात्र विदेशी संस्थानों में जाकर पढ़ाई करते हैं, लेकिन बाहर पढ़ाई करने का खर्च उठाना हर किसी के लिए आसान नहीं होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाहर जाकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। देश में सरकारी और गैर सरकारी कई सारी ऐसी स्कॉलरशिप हैं जिनके जरिए विदेशी संस्थानों में जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है फातिमा जहरा और आप देख रहे हैं रंगरूट। आज के शो में जानेंगे वो कौन सी स्कॉलरशिप हैं जिसके जरिए आप विदेशों में पढ़ाई के लिए जा सकते हैं, क्या है स्कॉलरशिप मिलने का क्राइटेरिया। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात नेशनल ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम फॉर SC। ये स्कॉलरशिप शेड्यूल कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले स्टूडेंट्स को दी जाती है। इसके अलावा खानाबदोश, अर्ध घुमंतू जनजातियों, भूमिहीन खेतीहर, मजदूर और पारंपरिक कारीगरों की श्रेणी और कम आय वाले छात्रों को हायर एजुकेशन की सुविधा प्रदान करने के लिए है, ताकि इससे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार हो सके। ये स्कॉलरशिप ग्रेजुएशन के छात्रों के लिए नहीं है, इसमें सिर्फ मास्टर्स और PhD के छात्र ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर इस स्कॉलरशिप के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की जाए तो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए आवेदक की उम्र 35 साल से कम होनी चाहिए, कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए और एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा आवेदक की वार्षिक आय INR 8 लाख से कम होनी चाहिए। अगर दूसरी स्कॉलरशिप की बात करें तो वो है इनलेक्स शिवदसानी स्कॉलरशिप। इनलेक्स शिवदसानी फाउंडेशन हर साल कई मेधावी ग्रेजुएट स्टूडेंट को आगे की पढ़ाई विदेश में करने के लिए स्कॉलरशिप देती है। इनलेक्स शिवदसानी स्कॉलरशिप की शुरुआत 1976 में हुई थी। ये स्कॉलरशिप भारतीय छात्रों को अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप के टॉप इंस्टीट्यूशन से मास्टर्स, MPhil या डॉक्टरेट की पढ़ाई के लिए दी जाती है। इस स्कॉलरशिप में स्टूडेंट की पढ़ाई और वहाँ रहने के खर्च को कवर करने के लिए $1,00,000 दिए जाते हैं। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ऐसे भारतीय स्टूडेंट जो किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी संस्थान से ग्रेजुएट किया हो और उसके आगे की पढ़ाई विदेश की किसी रेपुटेड यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं तो वो इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने वाले स्टूडेंट की उम्र 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इस स्कॉलरशिप के लिए स्टूडेंट का सिलेक्शन इंटरव्यू के जरिए किया जाता है। इस साल मिलने वाली इस स्कॉलरशिप के लिए आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तीसरी है टाटा स्कॉलरशिप। 12वीं पास करने के बाद आगे की पढ़ाई विदेश से करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक दिक्कतों की वजह से इस सपने को पूरा करने में काफ़ी मशक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे ही छात्रों को विदेश में पढ़ाई करने के लिए टाटा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट की तरफ से स्कॉलरशिप दी जाती है। इस स्कॉलरशिप के जरिए 12वीं पास भारतीय छात्रों को अमेरिका की कर्नॉल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का मौका मिलता है। टाटा स्कॉलरशिप के तहत ऐसे भारतीय छात्रों को आर्थिक सहायता दी जाती है जिन्हें अमेरिका की कर्नॉल यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिला मिला हो। अगर इस स्कॉलरशिप की योग्यताओं की बात की जाए तो आवेदक भारतीय होना जरूरी है। ये स्कॉलरशिप आर्थिक रूप से कमजोर भारतीय छात्रों को दी जाती है जिन्हें अमेरिका की कर्नॉल यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट कोर्स में दाखिला मिला हो। ये स्कॉलरशिप कर्नॉल यूनिवर्सिटी के अंडर ग्रेजुएट कोर्स की 8 सेमेस्टर तक की फीस दी जाती है। अगर कोई कोर्स 8 से ज़्यादा सेमेस्टर का है तो उसे बाकी के 25 सेमेस्टर की फीस छात्र को खुद देनी होगी। कर्नॉल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे कुल 20 छात्र एक बार में इस स्कॉलरशिप का लाभ उठा सकते हैं। साथ ही छात्र का खाने, रहने, ट्रैवल और मेडिकल से जुड़े खर्च भी उठाए जाते हैं। फुल ब्राइट नेहरू मास्टर्स फेलोशिप। यूनाइटेड स्टेट इंडिया एजुकेशन फाउंडेशन यानी USIEF द्वारा अमेरिका के चुनिंदा कॉलेजों और यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री प्रोग्राम करने वाले प्रतिभाशाली भारतीयों को ये दी जाती है। इसका उद्देश्य भारतीय युवाओं को विदेश में हायर एजुकेशन हासिल करने में मदद करना है। ये स्कॉलरशिप आर्ट्स एंड कल्चर मैनेजमेंट समेत हेरिटेज, कंजर्वेशन एंड म्यूजियम स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, एनवायरमेंटल साइंस स्टडीज़, हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल लीगल स्टडीज़, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक हेल्थ, अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग एंड वुमेन्स स्टडीज़, जेंडर स्टडीज़ में दी जाती है। क्या हैं योग्यताएं? ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त भारतीय यूनिवर्सिटी से कम 55% अंकों के साथ ग्रेजुएशन की हो, वो ग्रेजुएशन 4 साल की होनी चाहिए। अगर ग्रेजुएशन की डिग्री 4 साल से कम की है तो किसी मान्यता प्राप्त भारतीय संस्थान से फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना ज़रूरी है। कैंडिडेट के पास लीडरशिप क्वालिटी और प्रपोज्ड स्टडी फील्ड से संबंधित कम से कम 3 साल का फुल टाइम पेड प्रोफेशनल काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए।
जेएन टाटा एंडोर्समेंट स्कॉलरशिप 1892 से लेकर अब तक 5400 से अधिक छात्रों को स्कॉलरशिप मिल चुकी है। इसकी शुरुआत जमशेद जी टाटा ने की थी। ये एक फंडिंग स्कॉलरशिप है जो लोन स्कॉलरशिप के रूप में काम करती है। ये उन इंडियन स्टूडेंट को दी जाती है जो विदेश से हायर एजुकेशन में डिग्री लेना चाहते हैं। ऐसे स्टूडेंट जो विदेश से किसी भी स्ट्रीम से मास्टर्स, पीएचडी और पोस्ट डॉक्टोरल की पढ़ाई करना चाहते हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसकी योग्यताओं की बात की जाए तो इस स्कॉलरशिप की योग्यता के मुताबिक उम्मीदवार भारतीय होना चाहिए और उसकी उम्र 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी की हो या फिर भारत में किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, कॉलेज, संस्थान में किसी भी ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लास्ट ईयर में हो। इसके साथ ही उम्मीदवार को फर्स्ट ईयर के एंड में और अपने विदेशी अध्ययन के दूसरे साल में प्रवेश कर रहे हों, उम्मीदवारों को अपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में औसतन कम से कम 60% मार्क्स होने चाहिए। यहाँ हमने कुछ ही स्कॉलरशिप के बारे में बात की है, लेकिन ऐसी बहुत सारी स्कॉलरशिप हैं जिन्हें पाकर आप विदेशों में पढ़ाई करने का सपना पूरा कर सकते हैं। आज के शो में सिर्फ इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा हमें बताएं, और हाँ, आप अगले एपिसोड में क्या देखना चाहेंगे ये भी बताएं। सुझाव और सवाल दोनों हमें लिख भेजिए rangroot@lallantop.com पर। और हाँ, हम आपके लिए एक नया चैनल भी लेकर आए हैं रंगरूट नाम से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जहां आपको स्टूडेंट से जुड़ा बढ़िया कॉन्टेंट मिलेगा। शुक्रिया।